ऑल राइट गाइस, तो माधुरी गुप्ता का यहाँ पे सवाल है, ग्रैनी थ्री में कोई अपडेट क्यों नहीं आता है और कुछ अलग एस्केप भी आए शायद, और ग्रैनी फोर कब आएगा? तो ग्रैनी थ्री में कोई अपडेट इसलिए नहीं आता क्योंकि ग्रैनी के जो डेवलपर हैं वो बहुत आलसी हैं नहीं मजाक कर रहा हूँ। ग्रैनी देखो एक बहुत ही बड़ा गेम है, ठीक है, और बहुत ही फेमस गेम है, एंड इसमें अपडेट आने में बहुत टाइम लगता है, 6-6 महीने का, 7-7 महीने का गैप होता है इनके अपडेट्स में। एंड जो ट्रेन एस्केप है ना, वो हमारे हिसाब से तो बहुत पुराना हो चुका है, बट वो ज़्यादा पुराना नहीं हुआ, उसे भी 3-4 महीने ही हुए हैं उस अपडेट को आए, तो हो सकता है अभी 2-3 महीने और लगें या फिर पूरा ये साल आए ही ना कोई अपडेट नया, ठीक है, ग्रैनी चैप्टर 3 में। बाकी हाँ, ग्रैनी 3 में अगर कोई नया एस्केप आएगा तो वो हमारा कार से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि अभी ग्रैनी 3 में वही इकलौती चीज़ बची है जो टार्जन वाली कार बाहर रखी है ना, उसी का एस्केप वगैरह कुछ बाकी है, ये तो पक्का है कोई नया ही एस्केप होगा। और अगर हम बात करें ग्रैनी 4 कब आएगा, तो ग्रैनी 4 का भाई 2023 में देखो चांसेस हैं, क्योंकि 2-2 साल का गैप होता है डेवलपर्स के गेम में, तो 2023 बनता है इस हिसाब से, तो बाकी देखते हैं। प्रणव का यहाँ पर सवाल है, ग्रैनी 4 में टनल एस्केप और सबमरीन एस्केप हो सकता है क्या? सबमरीन एस्केप तो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो भाई, बट पॉसिबल नहीं है सबमरीन एस्केप। हाँ, बोट एस्केप टाइप चीज़ हो सकती है ग्रैनी 4 में। ओके, माधुरी गुप्ता का फिर से सवाल है यहाँ पे, आप क्या टेम्पल रन 2 खेले हो? एक सेकंड, क्या मैं ये सवाल ऑलरेडी ले चुका? क्या टेम्पल रन 2? ओके, नहीं, अलग है ये। क्या आपने टेम्पल रन 2 खेला है? अगर टेम्पल रन 2 नहीं पसंद होगा तो आप क्या उस गेम का फैक्ट शेयर करते तो अच्छा लगेगा, और कोई न्यूज़ भी शेयर करिएगा। नहीं भाई, उस गेम की कोई ऐसी न्यूज़ शेयर करने लायक होती नहीं है, वो एक एंडलेस गेम है, एंड वो इतना बड़ा कोई ऐसा हॉरर टाइप गेम नहीं है जो उसको मैं शेयर करूँ यहाँ पे, वो अलग टाइप का गेम है। प्रणव का ही फिर से सवाल है यहाँ पे, तुम्हें गेम बनाना आता है क्या? नहीं भाई, मुझे नहीं आता, आई एम नॉट अ गेम डेवलपर। अनिसुर रहमान का यहाँ पर सवाल है, गेम सेट भाई मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा तुम बर्थडे में 4000 सब्सक्राइबर हो जाए। भाई अनिसुर को देखो याद है मैंने क्या कहा था, चलो थैंक यू। ओके, अनिसुर रहमान का यहाँ पे एक और सवाल है, आइस स्क्रीम के किस चैप्टर में न्यू चिल्ड्रंस देखने को मिलेंगे जो पहले से फैक्ट्री में बंद पड़े हैं? देखो ये मेरी एक थ्योरी है, ठीक है, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है एंड उस फैक्ट्री में ऑलरेडी काफ़ी सारे केज रखे हुए हैं, ठीक है, वो आइसक्रीम की ये जो धंधा है पहले से कर रहा है रॉड खतरनाक वाला, तो मैं ये बस सोच रहा हूँ कि उसमें और बच्चे कैद हो सकते हैं, मैंने कंफर्म नहीं बोला, तो हो सकता है कि जब जो फ्रेंड्स हैं यानी लिज माइक जे चार्ली इनका पूरा सीन ख़त्म हो जाएगा, ये सारे रीयूनाइट हो जाएंगे, ये सारे सेफ हो जाएंगे, उसके बाद शायद ये लोग प्लान बनाए कुछ फैक्ट्री में ऑलरेडी जो कैद हैं उन बच्चों को छुड़ाने का, मे बी। ओके, आई थिंक ये लास्ट 2 सवाल है, तो इनको भी मैं इसी वीडियो में ले लेता हूँ। रिंकू राज का सवाल है, हाउ टू डाउनलोड रिच मोड ऑफ मिस्टर मी 2 ब्रो, मुझे वीडियो बनाना है तो बता दो। रिच मोड मिस्टर मी 2 का मेरे को इसके बारे में, मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है हाउ टू डाउनलोड। किड फन का यहाँ पर क्वेश्चन है, न्यू चैनल खोल दी, अब न्यू चैनल पर इंडिया की हिस्ट्री बता रहे हो? यस। ऑल राइट गाइज, सो अब सारे क्वेश्चन फिर से ख़त्म हो चुके हैं, क्वेश्चन का दिवाली आ चुका है, तो नए जाके क्वेश्चन अपने ऐड कर देना कम्युनिटी टैब पे, ठीक है। एक सेकंड में ज़रा चेक कर लेता हूँ क्या कोई नए क्वेश्चन आए हैं। ओके, 2 सवाल आए हैं यहाँ पे। सांची खन्ना का सवाल है, आइस क्रीम 7 में बोरिस वापस आएगा बदला लेने जे से? नहीं, बोरिस नहीं आएगा वापस, बोरिस जैसा कोई नया रोबोट आएगा, क्योंकि भाई रॉड की स्टोरी चलती है ना यहाँ पे, रॉड है मेन विलन, बोरिस का क्या है, बोरिस तो बस एक कर्मचारी था रॉड का। ओके, यहाँ पे इट्स बीन 1 ईयर बट डेवलपर इज़ नॉट शोइंग एनी गेम हिंट्स और न्यू वीडियो, आई हैव 2 रीज़न वाई डेवलपर इज़ डूइंग दिस। ओके, लेट्स सी क्या रीजन्स हैं। नंबर 1, द डेवलपर्स टीम क्विट द जॉब और जॉब? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, दे विल गिव न्यू गेम और समथिंग न्यू,
देखो डेवलपर्स जो है बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, एंड वो लोग अपने गेम्स को बनाने में बहुत टाइम लेते हैं, ये सच है। एंड उनके जो गेम्स आते हैं वो बहुत चलते हैं, ये भी सच्चाई है। बट आई थिंक फ़िलहाल जो नया गेम आया है ना क्या डेवलपर्स का, द ट्विंस, वो एकदम, भाई मेरे को सीरियसली बताना है, मुझे यकीन नहीं होता कि वो गेम भी डेवलपर्स ने ही बनाया है। मतलब इतना अलग सा गेम, अगर आप उसकी क्वालिटी को ग्रैनी से कंपेयर करोगे तो भाई बिल्कुल दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं लगता है। एंड मुझे समझ में नहीं आता कि डेवलपर ने ये गेम क्यों रिलीज़ किया ही क्यों। देखो आप में से काफ़ी लोग हो सकता है द ट्विंस के फ़ैन हो, बट मुझे वो गेम बिल्कुल नहीं पसंद भाई, अजीब ही है। मुझे लगता नहीं कि ग्रैनी के डेवलपर, मतलब जिस डेवलपर ने ग्रैनी जैसा गेम बनाया है वही लोग ये द ट्विंस जैसा गेम बनाया है भाई। चलो ठीक है, खैर ऑल राइट गाइस, तो यही थे सारे सवाल, और अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ और सवाल के साथ। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।